राजधानी पटना के एनआईटी घाट पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत रिवर रेंचिंग कार्यक्रम के तहत राज्य की नदियों में स्थानीय मत्स्य अंगुलिकाओं का पुनर्स्थापन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री अफाक आलम ने किया। मंत्री अफाक आलम ने कहा कि आज 3,50,000 जीरा नदी में छोड़ा गया है। आने वाले वक्त में इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही मछली को किस तरीके से बढ़ाना और संरक्षण करना है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। का प्रोग्राम था यहाँ पे गंगा में जो है मछली का जो जीरा होता है वही डाला गया है। 3,50,000 अभी डाले हैं और हमारे साथ जो है पशु मत्स्य विभाग के सचिव महोदय भी शामिल है और डायरेक्टर साहब भी हैं, जीन साहब भी आए हुए हैं। वो तो सब सारे व्यवस्था के साथ आज जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ मछली को डाला गया है को और विस्तार में यहाँ के किसान को भी बताया गया है और सभी पदाधिकारी को भी कहा गया है कि मछली का संरक्षण करना। आपके जो अपेक्षाएं हैं जो आकांक्षी का प्रोग्राम था यहाँ पे गंगा में जो है मछली का जो जीरा होता है वही डाला गया है। 3,50,000 अभी डाले हैं और हमारे साथ जो है पशु मत्स्य विभाग के सचिव महोदय भी शामिल है और डायरेक्टर साहब भी हैं, जीन साहब भी आए हुए हैं। वो सब सारे व्यवस्था के साथ आज जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ मछली को डाला गया है रिवर रेंजिंग को और विस्तार में यहाँ के किसान को भी बताया गया है और सभी पदाधिकारी को भी कहा गया है कि मछली का संरक्षण करना। आपके जो अपेक्षाएं हैं जो आकांक्षी का प्रोग्राम था यहाँ पे गंगा में जो है मछली का जो जीरा होता है वही डाला गया है। 3,50,000 अभी डाले हैं और हमारे साथ जो है पशु मत्स्य विभाग के सचिव महोदय भी शामिल है और डायरेक्टर साहब भी हैं, जीन साहब भी आए हुए हैं। वो सब सारे व्यवस्था के साथ आज जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ मछली को डाला गया है रिवर रेंजिंग को और विस्तार में यहाँ के किसान को भी बताया गया है और सभी पदाधिकारी को भी कहा गया है कि मछली का संरक्षण करना।